जय श्री माता जी। विश्व के सभी सहयोगी भाइयों और बहनों का परम पूज्य आदिशक्ति श्री माता जी द्वारा स्थापित विश्व के पहले सहयोग आश्रम निर्मल धाम आरड़गांव राहुरी में हार्दिक स्वागत है। आरड़गांव के संबंध में श्री माता जी ने प्रवचन में कहा है कि ये वो जगह है जहां पर मेरे पुरखों का राज था और वे यहां के राजा थे। आरड़गांव के नजदीक मुसलवाड़ी गांव है जहां देवी ने राहु नामक राक्षस को एक मुसल से मारा था। इस जगह से राक्षस आक्रोश करते हुए भागा था, इसीलिए इस जगह का नाम आरड़गांव रखा गया। इसी जगह पर नवनाथ भी रहे हैं तथा शांडिल्य ऋषियों ने भी यहां बहुत अधिक कार्य किया है। राहु नामक राक्षस के नाम पर राहु और री जो कि महालक्ष्मी जी का नाम है, उन्हीं दोनों के नाम पर इस शहर का नाम राहुरी हो गया। श्री माता जी ने राहुरी को अपना मायका बताया है। यहाँ पर नौ देवियों का स्थान है जो कि स्वयंभू है। श्री माता जी के पिताजी यहीं से पास ही स्थित शिंगवे नायक गांव के रहने वाले थे और नानी का गांव नांदगांव भी पास ही में ही है। यह दोनों गांव एक दूसरे से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। परम पूज्य श्री माता जी ने सन 1975 में सर्वप्रथम राहुरी कृषि विद्यापीठ में आकर आत्म साक्षात्कार का कार्यक्रम लिया और सन 1988 में 6 एकड़ जमीन आरड़गांव आश्रम लाइफ इटर्नल ट्रस्ट मुंबई के नाम से खरीदी और उसी वक्त श्री माता जी ने सहज वुमेन वेलफेयर सोसाइटी की स्थापना भी की। प्रथम सहज विवाह भी राहुरी में ही हुए थे और विदेशी सहयोगी यहाँ सेमिनार के लिए हमेशा आते रहते थे। श्री माता जी ने यहीं से पास में स्थित मानोरी, टाकली मियाँ, राहुरी फैक्ट्री, श्रीरामपुर, संगमनेर और बहुत सारी जगहों पर आत्म साक्षात्कार के कार्यक्रम स्वतः लिए। आश्रम से 7 किलोमीटर दूर मुसलवाड़ी गांव है जहां पर श्री माता जी ने स्वयंभू मसोबा तथा श्री एकादश रुद्र को सन 2 फरवरी सन 1982 में जागृत किया। यहीं से पास में टाकलीमिया में श्री माता जी ने श्री ज्ञानेश्वर महाविद्यालय में आत्म साक्षात्कार के कार्यक्रम लिए। इसी कार्यक्रम में दुनिया का पहला चमत्कारिक फोटो भी आया जिसमें श्री माता जी के ऊपर चैतन्य लहरियां बरस रही हैं। प्रथमतः सन 1988 में आश्रम में